हाँ जय माता दी। और सुनाओ आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूँ आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों, खुद का किया कराया जादू टोना तंत्र मंत्र काटने का एक नेपाल का स्वयं सिद्ध देहाती मंत्र मैं बताऊंगा दोस्तों। ये भी जौन मंत्र है बहुत चमत्कारी मंत्र है दोस्तों। ये जौन मंत्र है दोस्तों 10,000-15,000 देने के बाद में भी ऐसा मंत्र आप लोग का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जौन मंत्र है दोस्तों राम बाण की तरह दोस्तों कार्य करता है। ठीक है, ऐसा ही मंत्र डाइन के भी पास होता है दोस्तों, ताकि कोई इंसान को जब परेशान जब करती है, दुख देती है या सताती है दोस्तों, तो वो विद्या को जब काटने के लिए दोस्तों ये प्रयोग करती है। ठीक, कौन समय या कौन अवस्था में वो विद्या को काट करती है दोस्तों। मान के चलो कोई इंसान के ऊपर काला जादू जब कर देती है, या भूत प्रेत को जब सवारी दे देती है, या कोई ऐसा जब दुख दे देती है दोस्तों, वो आदमी दिखाने सुनाने से भी ठीक जब नहीं होता है तो वो आदमी कलपता है। तो वो डाइन जब उसको वो इंसान को जब देखेगी तो उसको भी थोड़ा माया लग जाता है दोस्तों। ठीक है, तो माया लगने के बाद भी वो भी सोचती है कि चलो वो आदमी छोटा सा गलती जब किया था, मैं इसको बहुत परेशान किया, तो जौन तंत्र विद्या जब मैं किया हूँ उसको खींच लेता हूँ या उसको काट कर देता हूँ। उसी समय जब वो तत्काल दोस्तों वो काट कर देती है, काट होने के बाद 24 घंटा के भीतर में वो इंसान जब वो रहता है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, डाइन हर इंसान को परेशान नहीं करना चाहती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये जौन इंसान जब रहता है उससे थोड़ा अलग रहना चाहती है दोस्तों। ठीक है, फिर भी वो इंसान क्या रहता है, थोड़ा घमंड में या कोई बलपूर्वक कोई दोस्तों जब बात जब बोल देता है, वो डाइन का क्रोध आ जाता है, दिल में दोस्तों ठेस फूंकता है। वही इंसान को जब ये डाइन अपना प्रयोग करती है या काला जादू का प्रयोग करती है या कोई दुख दे देती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, कोई भी जब बात जब बोलते हो या कोई भाषा का जब प्रयोग करते हो तो सबसे पहले सोचो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा जब बात जब रहता है दोस्तों, ज़्यादा तो पड़दारी में ऐसा काला जादू का जब प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, जगह जमीन का थोड़ा लफड़ा होता है, घड़ाई उड़ाई का इधर उधर का थोड़ा झमेला रहता है दोस्तों, इसलिए ज़्यादातर प्रयोग होता है। ठीक है, आज ज़्यादा खास करके दोस्तों अपने आदमी ऐसा प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसलिए जब ऐसा आदमी रहता है तो थोड़ा सोच समझ कर दोस्तों रहिए या कोई भी जब बात बोलिए। ऐसा मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। खुद का गुण कोई इंसान के ऊपर जब प्रयोग करते हो या घर के बनवारी जब करते हो या चाहते हो उसको काट देने के लिए, ठीक है, या कोई तंत्र जब क्रिया करते हो आदमी ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद में आपके पूजा पाठ जब नहीं देता है तो उस समय ये वो विद्या जो है वो काट देंगे, तो वो आदमी फिर वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, आ फिर कोई इंसान को जब भूत प्रेत से वो ग्रस्त था, वो आदमी को मान लो क्लियर किया, वो आपको दक्षिणा या कोई भी पूजा पाठ जब मांगे हो जब नहीं देता है तो क्या करिए, फिर वो ये विद्या का प्रयोग करके वो विद्या काट देंगे, फिर वैसा ही वो आदमी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही काम में आपको प्रयोग करना है खुद का, यानी कि खुद का कोई कार्य जब उससे किया हो और उसको नष्ट करना है वो। ठीक है, तो ये प्रयोग कर सकते हो ये मंत्र। ठीक है, उसी समय ये मंत्र का प्रयोग करना है दोस्तों। ठीक है, यानी कि खुद का कोई कार्य जब किया हो, ठीक है, आ चाहते हो कि वो जौन कार्य था एकदम पहला जैसा होने के लिए, तो ये मंत्र का प्रयोग करके फिर वो काट सकते हो। चले दोस्तों, ऐसा मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। ये जौन मंत्र है नवरात्रि में 5 बार या 7 बार आहुति देंगे उतने से मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध तो ऐसा है दोस्तों, आपको ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, ये मंत्र है, वो मंत्र मैं बोल देता हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु का उल्टा सरसों पलटन बाण मारी मंत्र करे संहार सोने के दिया रूपे के बाती 3 पहर 3 घड़ी दिन 3 घड़ी रात चलाया मंत्र काटी दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार बे दुहाई सतगुरु के बंदो पार। एक बार और मैं बोल देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु का उल्टा सरसों पलटन बाण मारी मंत्र करे संहार सोने के दिया रूपे के बाती 3 पहर 3 घड़ी दिन 3 घड़ी रात चलाया मंत्र काटी दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती दुहाई सतगुरु के बंदो पार। मंत्र यही था दोस्तों, बहुत चमत्कारी राम बाण की तरह दोस्तों ये मंत्र जन है ये कार्य करता है। ठीक है, खुद का विद्या काट सकते हो, कोई भी इंसान के ऊपर काला जादू जब कर दिए हो, चाहते हो आदमी परेशान हो गया है, चाहते हो काटने के लिए पैर की मिट्टी उठाना है, उठाने के बाद में आप फूंक देना वो इंसान के देखते हुए। ठीक है, आप बोलना है कि मेरा जौन सा विद्या का प्रयोग किया तो वो कट जाए। ठीक है, बहुत आदमी को परेशान किया। ठीक है, तो यही था। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखो
मेरा वीडियो के नीचे आप लोग नंबर देते हो, कोई भी इधर उधर का जब फ्रॉडी होगा, कोई इंसान आपसे जब पैसा लेगा तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ। ऐसा मान कर चलो आदमी भी बोल सकता है कि मान कर चलो अपन देसी ज्ञान वाला जन गुरु जी हैं उसका मैं चेला बोल रहा हूँ या शिष्य बोल रहा हूँ कि मुझे इतना पैसा दो मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, तो आप लोग भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं उसको दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा आज तक ले कोई ऐसा शिष्य और चेला नहीं है कि नेट पर कोई वीडियो डालता हो, ठीक है। एक पहले बात है ख्याल करना, कोई भी जब फ्रॉडी होगा तो आप खुद जिम्मेवार होगा, मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा जब बात एक बार हो चुका है क्योंकि कुलदीप सिंह के, ठीक है, ऐसे ही 500 रुपया का ठगी हुआ, मेरा मान चलो चैनल के नाम लेकर वो आदमी ठगा है, ठीक है, 500 रुपया का ये कोई चीज़ बताया था, क्योंकि वो बोला था कि कोई चीज़ मैं बताऊंगा तो 500 रुपया मुझे लगता है फिर वो गुरु दक्षिणा के माध्यम से वो देगा तो फिर मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब मेरा ही नाम से वो फ्रॉडी किया था, ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसा कार्य नहीं करिए। मेरा कोई शिष्य और मेरा कोई चेला अभी तक यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालता, एक पहले बात ये ख्याल करना, ठीक है। मेरा जो नंबर है तो आप लोग जानते हो, वही नंबर है, वही एक नंबर है इंडियन वाला नंबर, ठीक है, तो इतने में बोलूँगा। मेरा जब वीडियो आप लोग का जब पसंद आए तो मैं क्या बोलूँ, आप खुद जानते हो, ठीक है। एक और बात मैं बोल देना चाहता हूँ, जौन सा भी साधक साधिका तंत्र मंत्र में जब रुचि रखते हैं तो मेरा वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए उनके पास, ठीक है, ताकि मेरा कोई वीडियो के माध्यम से दो चार आदमी को भी ठीक किया वो इंसान चाहे वो साधक, तो मैं खुद के मैं भाग्यशाली समझूंगा दोस्तों, ठीक है। आ कमेंट जैसा भी करिए दोस्तों, ऐसा जब मंत्र चाहिए तो, ठीक है, वीडियो जैसा भी शेयर करिए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतने में बोलूँगा, अभी के लिए चलता हूँ, जय माता दी।